Student, today I start new topic online classes. This topic is very, very important. Students, be careful. And requested point, students, please video like, share, subscribe, and bell icons, press. Students, on boards, write some important topic. This topic is very, very important. Students, be careful. And students, to see on boards, start the topics. P block elements. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर नेमक्लेचर्स ऑफ 100 मोर एटॉमिक्स नंबर के एलिमेंट होते हैं तो उसका नेमक्लेचर करने का ढंग बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो, हमेशा जो है कॉम्पिटिशनों में पूछे जाते हैं। और उससे पहले जो है वीडियो हमने दिया था उसमें जो है यस ब्लॉक एलिमेंटों को हमने डिस्कस किया था, यस ब्लॉक एलिमेंटों के बारे में बताया था, आपने बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझा था, उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आइए आज जो टॉपिक लेकर आया हूं, जो वीडियो का जो लेक्चर्स दिया जा रहा है, वह हमारा जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट है क्या, वह क्या चीज होता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्रोमाइज दोज द बिलोंगिंग टू द ग्रुप 13 to 18 एंड दीज आर द टू greater with the yes block elements are called the representing elements are the main main groups elements। yani p block element 13वें group से लेकर 18वें group के एलिमेंटों को p block के एलिमेंट कहते हैं, और साथ में ही yes block के एलिमेंट्स को हम representing element are the main groups elements कहते हैं। फिर एक बार मैं दोहराता हूं, रिप्रेजेंटिंग और मेन्स ग्रुप्स एलिमेंट वे होते हैं यस और पी ब्लॉक के एलिमेंटों को एक साथ स्टडी करने पर उन दोनों यस और पी ब्लॉक के एलिमेंटों को ही हम रिप्रेजेंटिंग और मेन ग्रुप्स के एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया, फिर से एक बार, पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स 13 to 18 ग्रुप्स नोन एज ए पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक के एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो 13वें ग्रुप से लेकर 18वें ग्रुप के अंदर आने वाले एलिमेंटों को पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, और इसके साथ यस ब्लॉक के एलिमेंट को हम साथ में स्टडी करते हैं तो उसको रिप्रेजेंटिंग आर मेन ग्रुप्स कहते हैं, मेन ग्रुप्स एलिमेंट्स कहते हैं। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके आउटर यानी पी ब्लॉक के एलिमेंटों के आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वेरीज फ्रॉम द वेरीज करता है ns2 np1, पहले सेल में ns2 np1 to ns2 np6 होता है इन ईच एलिमेंट विद द क्लोज वैलेंसी सेल, यानी प्रत्येक एलिमेंटों के अंदर इस तरह की क्लोज वैलेंसी देखने को मिलती है ns2 np6 कॉन्फ़िगरेशन। यह जो है कॉन्फ़िगरेशन क्लोजिंग है जो सेल्स के अंदर ऑल द ऑर्बिटल इन द वैलेंसी सेल ऑफ द नोबल गैस, यानी जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 आए तो वह एलिमेंट नोबल गैस कहलाता है, आर द कंप्लीटली फिल बाय द इलेक्ट्रॉन एंड इट इज द वेरी डिफिकल्टी टू एफर्ट दिस द स्टेबल अरेंजमेंट बाय द एडिशंस आर द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यानी ऐसे जो नोबल होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कराना या ऐड कराना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, तो नोबल गैसों के एलिमेंटों से यानी नोबल एलिमेंटों में से इलेक्ट्रॉनों को आउटर मोड से ना आपको रिमूव करा पाएंगे ना वो इलेक्ट्रॉन गेन पाएगा, तो यह बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसका अरेंजमेंट जो होता है स्टेबल होता है। नोबल गैस के आउटर मोड का जो टेंडेंसी होती है वह स्टेबल होता है। एडिशन आर द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी ना ऐड किया जा सकता है और नहीं
रिमूव किया जा सकता है। द नोबेल गैस दस द इट्स हैबिटेट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी, यानी जो नोबेल गैस एलिमेंट होते हैं उनकी जो है केमिकल रिएक्टिविटी इट्स हैबिटेट वेरी लो होता है, क्या होता है वेरी लो होता है, यानी वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। प्रेजेंटिंग द नोबेल गैस फैमिली आर द टू केमिकल्स इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ द नॉन मेटल्स, यानी इसके साथ जो है दो ग्रुप जो है केमिकली जो है इंपॉर्टेंट ग्रुप रखे गए हैं जो नॉन मेटल हैं। दिस आर द हैलोजन्स एंड द चालकोजन्स फैमिली, यानी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंटों के अंदर जो ग्रुप्स का अध्ययन करते हैं वो हैलोजन 17 ग्रुप है और दूसरा जो चालकोजन ऑक्सीजन फैमिली जो है 16 ग्रुप्स के अंतर्गत रखे गए हैं, या मोर रिएक्टिव ग्रुप्स के एलिमेंट्स होते हैं। दीज टू ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट हैव द हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी हैलोजन और चालकोजन फैमिली के एलिमेंटों की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है जो बहुत ही हाईली होती है। निगेटिवली इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी एंड द रेडिली एड ऑन वन आर मोर, यानी इनमें जो हैलोजन और चालकोजन फैमिली होता है एक या दो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग रेडिली जो है ऐड किया जा सकता है, एक या दो इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा सकते हैं, यानी हैलोजन में एक ऐड होता है और चालकोजन फैमिली में जो ग्रुप 16 है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। रिस्पेक्टिवली टू द एडिंग द स्टेबल नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जब एक और दो इलेक्ट्रॉन जब वह ले लेते हैं तो इनकी जो है स्टेबिलिटी जो होती है क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाता है और यह स्टेबल हो जाते हैं नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबेल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब इसमें जो हमने पॉइंट्स दे रहे हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के अंदर क्या होता है, हम लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक जो होता है करेक्टर्स इंक्रीज करता है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन पीरियड लेफ्ट टू राइट नॉन मेटल्स करेक्टर एज ए इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स मेटेलिक करेक्टर एज ए इंक्रीज। स्टूडेंट्स ये दोनों ही टॉपिक आपने बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ लिया और इसमें किसी तरह का आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुआ। पी ब्लॉक के अंदर जो भी टॉपिक हमने दिया बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रखा गया है, इन सारे पॉइंटों को आप अच्छे ढंग से अध्ययन करिएगा, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए और ये कंप्लीटली वीडियो को वॉच करिए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। तो स्टूडेंट प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक, व्हाट इज पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हैलोजन फैमिली एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज चालकोजन फैमिली एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स आर मेन ग्रुप्स एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम एटॉमिक नंबर 36 एंड एटॉमिक मास 54, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नेक्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, नेक्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स, नेक्स्ट पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू अ बाहू रूल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग, टू अ बाहू प्रिंसिपल अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस एलिमेंट्स यानी 18 एटॉमिक नंबर 18 का दिस एलिमेंट्स
modern periodic table in positions, and next piece of cell in fill in electron, find the four quantum number. Students, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.